वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है यूक्रेन लोगों को, यानी कि यूक्रेनी लोगों को जो है दिया गया है 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो है, जो यूक्रेनी लोग हैं उनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, आखिर में ये प्राइस क्यों दिया जा रहा है, किस बिहाफ पे दिया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो आज तक भी नहीं थमा है। हमको अभी भी खबर देखने को मिलती है कि युद्ध अभी बरकरार है। ठीक है, तो उसी के बीच में ये भी सुनने को मिला है कि यूक्रेनी लोगों को दिया गया है इस समय क्या, सखारोव करके जो फ्रीडम प्राइज है ये। ठीक है, तो ये आखिर में क्या है कि लोगों को दिया जाता है, किस बिहाफ पे दिया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इसके पीडीएफ की बात करेंगे तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके लिंक को पा सकते हैं, साथ में अन्य क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन, ठीक है, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है वो आज तक नहीं थमा है, और अभी इसी के बीच में ये देखा गया है कि लोगों को, यहाँ पे लोगों को जो है यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित, मतलब बेहतरीन तरीके से ये जो है सखारोव फ्रीडम जो प्राइज है, सखारोव करके ये अभी दिया गया है। अब ये जो अवार्ड है ये उन संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है जिन्होंने, यूरोपीय संसद ने हाल ही में जो 2022 के सखारोव फ्रीडम प्राइज के लिए यूक्रेन के लोगों को चुना है, और यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो कि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, और इस बार जो है यूक्रेन में है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि क्या कहते हैं, यूरोपीय संघ के अंदर अगर बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अवार्ड इसको माना जाता है, मतलब नंबर 1 में आने वाला अवार्ड है ये। ठीक है, और इस बार का ये प्रदान करा गया है। ठीक है, तो यूक्रेन के लोगों को इसमें चुना गया है, इस बार जो है 2022 का जो ये चुना गया है वो यूक्रेन के लोगों को इसमें चुना गया है, क्योंकि युद्ध चल रहा था उसी के बीच में। अब यह अवार्ड यूक्रेन रूस संघर्ष में यूक्रेन के समर्थन में यह अवार्ड दिया गया है। यूक्रेन अभी विश्व की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। यह अवार्ड यूक्रेन के यूरोपीय संघ के पूर्व समर्थन को भी दर्शाता है। साथ में हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 में भी यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था शामिल रही थी। आपको पता होगा, अगर जो नोबेल पुरस्कार इस बार दिए गए थे उसमें, अगर वो रिपोर्ट अगर नहीं पढ़े हो तो उसे जरूर पढ़िएगा, उसमें भी जो है यूक्रेन के मानवाधिकार संस्था, जितने भी यूक्रेन के मानवाधिकार संस्था थी उनको दिया गया था। यानी कि जो मानव के लिए काम करते हैं, मानव की रक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, तो एक तो आपको इस चीज को याद रखना है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। अब इसमें बढ़ता है कि जो सखारोव फ्रीडम प्राइज है किसे दिया जाता है। तो देखिए, सखारोव फ्रीडम प्राइज जो है ये मानवाधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य करने वाले लोग या इन कार्यों में जुटे संगठन को यह अवार्ड दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे नोबेल का क्यों दिया गया, क्योंकि भैया उस संस्था को दिया गया जो मानव अधिकार को जो है आगे बढ़ाता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी स्वतंत्रता बताता है और उसको जीने का अधिकार देता है, उसके लिए दिया जाता है। तो सखारोव फ्रीडम प्राइज भी कुछ यही है कि जो मानव अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कार्य करने वाले जो लोग हैं, लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं, या कोई संस्थान भी हो सकते हैं, संगठन भी हो सकते हैं, तो इससे जुड़े संगठनों को भी यह अवार्ड दिया जाता है। अब यह जो अवार्ड है यह प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ द्वारा ऐसे कार्य में लगे लोगों को सम्मान देने में, ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। मतलब ये उन्हीं लोगों को चुनता है जो इस तरीके का कार्य करते हैं, यानी कि मानव की रक्षा करना, उसको उसका अधिकार दिलाने का जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। अब इसमें लोग और संगठन दोनों जुड़े हुए हैं, क्लियर हो गया। अब अवार्ड या इससे जुड़े नेटवर्क के माध्यम से यूरोपीय संघ उन पुरस्कार विजेताओं की मदद करता है जो मानव अधिकार, है ना, रक्षा का प्रयास का समर्थन देते हैं और इसे सशक्त बनाते हैं, यानी कि मजबूत बनाते हैं। ठीक है, यानी मतलब कहने का ये होता है, एक तो मानव को उसका जीने का अधिकार देना, साथ में उसे सशक्त बना देना, यानी कि उसे इतना शक्तिशाली बना देना कि वो किसी के आगे झुके नहीं और अपनी लड़ाई लड़ सके। ठीक है, इस तरीके से। और यूक्रेन में ऐसे संस्थान, ऐसे संगठन, ऐसे लोगों की काफी जरूरत है। अब इस अवार्ड से अब तक राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों, अल्पसंख्यक नेताओं, आतंकवाद विरोधी समूह और कूटनिष्ठ आदि को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना, यानी कि इस अवार्ड से जो है, जो ये सखारोव करके जो अवार्ड है करो, इससे अभी तक नेताओं को, चाहे वो राजनीतिक नेताओं हैं उन्हें हो, पत्रकार हो उनको भी, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, लेखक, अल्पसंख्यक नेताओं, आतंकवाद विरोधी समूहों और कूटनिष्ठ आदि को सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि ये जो लोग हैं जो मानवाधिकार की रक्षा करते हैं, या कह सकते हैं आतंकवाद का विरोध करते हैं, आतंकवाद को रोकने का कार्य करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब इस अवार्ड से सम्मानित नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई, डेनिस मुकावेगो,
और नादिया मुराद सहित कई पुरस्कार विजेताओं ने नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। तो आपको इनके नाम भी याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कि इस अवार्ड से सम्मानित जो है नेल्सन मंडेला भी है, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे नेल्सन मंडेला। मलाला यूसुफजई, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। डेनिस मुकावेगा, ये भी काफी परिचित है। साथ में नादिया मुराद सहित कई ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने इसके साथ साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी जीत रखा है। ठीक है, तो एक तो आपको इस चीज को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है? आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे इसमें दो बातों पर ध्यान रखिएगा। एक है सखारो फ्रीडम प्राइज के बारे में, अब ये क्या है इसको जानेंगे और ये कब दिया गया था उसको जानेंगे। ठीक है, और सखारो कौन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको टॉपिक अभी तक समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डेली इसी तरह के टॉपिकों को जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सुबह की वोकैबुलरी जिन्होंने भी नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो सुबह की वोकैबुलरी जो है वो देखना मत भूलिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में जो है आज थर्सडे है, ठीक है, और कल फ्राइडे, तो फ्राइडे जो है 7 बजे आपको पता है कि वीडियो मिलती है, जो कि कल हम लोग जो जिस वीडियो पर बात करेंगे वो गैलेक्सी के ऊपर है, यानी कि आकाश गंगा है ना, ब्रह्मांड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आकाश गंगा, जिसमें हमारा भी जीवन यापन चल रहा है सभी का, तो उसके ऊपर जो है कल हम 7 बजे बात करने वाले, तो उस वीडियो को मत भूलिएगा देखना। ठीक है, और सैटरडे को जो है आपको जो शीत युद्ध है उसके ऊपर वीडियो मिलने वाली है, उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सकारो फ्रीडम प्राइज आखिर में क्या है। तो इस अवार्ड की शुरुआत जो है आज से करीबन 1988 में हुई थी। ठीक है, और इसे पहली बार नेल्सन मंडेला जो है उनको दिया गया था, और अंतोली मार्चो को, ठीक है, अंतोली मार्चोको को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। तो नेल्सन मंडेला का नाम याद रखिएगा और साथ में अंतोली मार्चोको जो थे, मार्चोको, इनको दिया गया था। ठीक है, अब ये इस अवार्ड के विजेता को करीबन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं, 50,000 यूरो दिए जाते हैं। ठीक है, धनराशि जो है वो 50,000 यूरो की है। इस अवार्ड को जो है आंद्रिय सखारो फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, आंद्रिय सखारो फ्रीडम प्राइज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये आंद्रिय सखारो फ्रीडम मतलब सखारो जो है वो कौन थे, अभी बताऊंगा। ठीक है, साथ में ये याद रखिएगा कि 1990 में यह अवार्ड जो है आंगा सानसू को दिया गया था, लेकिन म्यांमार में अपनी राजनीतिक कारावास के परिणाम स्वरूप वह 2013 तक इसे प्राप्त नहीं कर सके थे। ठीक है, नहीं कर सकी थी। साथ में यूएनए के जो पूर्व महासचिव हैं कोफी 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 को भी जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, एक आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और 2021 में यह अवार्ड रूस के विपक्ष के नेता है एलकेसी नवलनिनी, कौन है, एलकेसी नवलनिनी, ठीक है, इनको जो है उनके संगठन के लिए दिया गया था। मतलब ऐसे लोगों को दिया जाता है जो एक तो मानव अधिकार की रक्षा करते हैं, जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि मानव अधिकार के लिए एक इतिहास हो सकता है, या कह सकते हैं कि एक सबक हो सकता है, एक ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ एक ऐसा कार्य करा जिन्होंने इतिहास के पन्नों को बदल दिया है, इतिहास को चेंज कर दिया है, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये सारे नाम वही है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद, जो काला गोरा होता था उसका भेद में इनका कितना बड़ा भूमिका रही है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है, तो आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। ठीक है, अब सखारो कौन थे मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, तो परमाणु भौतिक विज्ञान और नोबेल अवार्ड विजेता थे जिन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण, शांति और मानव अधिकार रक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, कौन थे, आंद्रेय सखारोव। आंद्रेय सखारोव जो थे वो यूएसएसआर के परमाणु भौतिक विज्ञानी और नोबेल अवार्ड विजेता हैं। ठीक है, इन्होंने परमाणु निरस्थितिकरण जिसको कहा जाता है, और शांति और मानव अधिकार रक्षा का समर्थन किया था। यूएसएसआर के थर्मल पावर, जो थर्मल परमाणु हथियार को डिजाइन इन्हों के द्वारा ही करा गया था, यूएसएसआर के जो थर्मल परमाणु हथियार को डिजाइन जो है वो इन्होंने ही करा था, और इन्होंने इन्हों के नाम पर ही अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने मानव अधिकार के ऊपर इतना बड़ा कार्य करा था इसलिए अवार्ड दिया जाता है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग है। 7 बजे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग है, और सुबह की वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा।